So here, what we are going to do, we are going to use the local storage. Why? Because for learning purpose, we cannot afford the shared storage. Why? Because it is very, very costly. Okay. So when I'm talking about the shared storage, now, so that will be your NAS, your SAN storage, means it is not your shared folder. So shared folder will never work, right? So you will be having some network storage in every infra for sure. In VM, and like in case of VMware, now you will find it as a data store. Okay. Any doubt here, guys, in that part? दोबारा बताना मेरे को। देखो, जब हम प्रोडक्शन में जाते हैं ना, तो हमारे पास एक शेड स्टोरेज होता है, ठीक है? शेड फोल्डर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, शेड फोल्डर इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, हम बात हाँ, कर रहे हैं। स्टोरेज को उसी को परमिशन देनी है कि शेड बन जाए। वो वही है ना, हाँ मतलब कि मान लो आपके पास स्टोरेज है, आपने कोई नेटैप या डेल वाला लगा रखा स्टोरेज, वो को डी हाँ ड्राइव बनी हुई है, और डी ड्राइव को हम राइट क्लिक करके शेयर कर देते हैं, फिर वो शेयर स्टोरेज बन जाता है। एम आई राइट? बराबर है, लेकिन वो हम शेयर कहाँ से करेंगे? वो शेयर करेंगे हम डायरेक्ट नेटवर्क स्टोरेज से। नहीं, जैसे विंडोज है हमारी, अभी विंडोज है, आप खोलते हो, राइट क्लिक कर, डी ड्राइव आपकी बनी हुई है, हम उसको राइट क्लिक करते हैं, उसको शेयरिंग पे कर देते हैं, मतलब कि ये ड्राइव हम शेयर कर रहे हैं। नहीं, वो हम करेंगे नहीं। अगर हमारा विंडोज सर्वर डाउन हो गया फिर क्या करोगे? अरे कैसे डाउन हो गए? शेयर स्टोरेज फिर में क्या हो गया, क्या समझूं मैं इसको फिर में? अरे शेयर्ड स्टोरेज मतलब कि जो एक स्टोरेज का रैक आता है, रैक समझते हो ना, एक स्टोरेज का हाँ रैक जी, आता है, उसमें हार्ड ड्राइव लगी होती है 10 15 50 जो भी रहती है, राइट? और वो न होता है हमारा नेटवर्क स्टोरेज, जिसको हम आईपी के थ्रू कनेक्ट करते हैं। हाँ जी, समझे? देखा है वो कभी? हाँ जी, नहीं देखा तो मैं दिखा दूंगा। उसको हम वी सैन बोलते हैं, वर्चुअल सैन बोलते हैं, या फिर वर्चुअल नेस बोलते हैं। नेस बोले तो, या फिर आईएसकेजी। आईएसकेजी का नाम सुना है कभी आज तक? आईएस का आईएससीएसआई। जो ब्लॉक होता है, आईएस का जो ब्लॉक स्टोरेज होता है सर, वो हो गया आपका आइसलन हो गया, जिसको हम बोलते हैं कि ये नेस है, नेस प्रोडक्ट है। हाँ नेस है, बराबर नेस है, राइट? तो नेस क्या होता है? नेटवर्क रियल स्टोरेज। हाँ जी सर, तो उसी पे देखो, सिंपल सा फंडा है। देखो, ये हमारा हाइपरवाइजर है ऊपर जो दिख रहा है, ठीक है? और नीचे ये हमारा नेटवर्क वाला स्टोरेज है जो हमने हाइपरवाइजर से कनेक्ट कर दिया, ये नीचे दिख रहा है ना। इसमें 1 2 3 4 5 6 जितनी भी हार्ड ड्राइव लगी है वो लगी हुई है, ठीक है? और हम ठीक है। शेयर्ड वाले पे जाते हैं तो वही केस होता है। देखो, ये वाला शेयर्ड है और इस पे हमने नेटवर्क वाला कनेक्ट कर दिया है, काम खत्म। नेक्स्ट करेंगे। अभी क्या बोल रहा है कि जो हमने स्टोरेज सिलेक्शन किया है, लाइक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम दैट विल बी होस्टेड ऑन द लाइक लोकल स्टोरेज, एंड टेम्पररी फाइल्स आल्सो विल बी ऑन द लोकल स्टोरेज। मींस हमारा विंडोज 10, विंडोज 7 जो भी होगा वो लोकल ओएस पे जाएगा और टेम्पररी फाइल्स भी उसी पे जाएगा, ठीक? नेक्स्ट। नाउ नेटवर्क का नाम देना है तो इट शुड बी आइडेंटिकल, सो हम आइडेंटिकल देंगे, लाइक CTX फॉर सिटेक्स, -N फॉर नेटवर्क, एंड -01। वाई? बिकॉज वी आर यूजिंग वी आर कॉन्फिगरिंग आवर फर्स्ट नेटवर्क। ओके, सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट। FB पब्लिशिंग, अच्छा इस चीज ध्यान रखना, FB पब्लिशिंग जो है ना, ये ऑलमोस्ट लाइक डिकॉम हो चुका है, अभी इसका इतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन है नहीं, लेकिन हाँ, इन फ्यूचर आई विल शेड्यूल अ सेपरेट सेशन विद यू गाइस, लाइक हाउ टू पब्लिश एन एप्लीकेशन विद एफबी। बेसिकली एफबी जो होता है ना, इट इज अ प्रोडक्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, और इससे भी हम एप्लीकेशन पब्लिश कर सकते हैं। किसी को पता है एफबी के बारे में? किसी ने कभी काम किया है इस पर? एनी ऑफ एपी नहीं, बट वी आर यूजिंग VMware, वो भी पुराना हो गया। हाँ, दैट इज ऑलमोस्ट अबाउट टू डीकॉम, राइट? तो यस, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। अभी हम इसको अनचेक करेंगे, चेक नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट खत्म है, एंड ऑफ लाइफ है। ओके, सो हियर इज अ समरी। द साइट नेम इंडिया एचओ, जो डेटाबेस बनेंगे 3 डेटाबेस, सिटिक्स इंडिया, लाइक साइट मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग,
दैट इज आवर डिलीवरी कंट्रोलर होस्ट नेम लाइक वट वी हैव गिवन, लाइसेंस सर्वर ऑन द सेम मशीन एंड दैट इज आवर हाइपरवाइजर कनेक्शन वट वी हैव गिवन एंड स्टोरेज वी हैव सिलेक्टेड ऑन द लोकल सर्वर, सिंपली क्लिक ऑन फिनिश. सो वॉट इट विल डू, इट विल क्रिएट द सिटी स्टूडियो फॉर अस विद इन सम टाइम एंड दैट स्टूडियो विल वर्क लाइक यू विल गेट सम ऑप्शन लाइक मशीन कैटलॉग डिलीवरी ग्रुप एंड ओके. गाइस लाइक कोई मुझे बोल रहा था लाइक यू गाइस हैविंग सम एक्सपीरियंस ऑन द स्टूडियो पार्ट एज वेल राइट, हु वाज दैट गाय? आई थिंक गोविंद यू. सो यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द स्टूडियो कंसोल राइट? यस सो व्हाट यू आर डूइंग इन स्टूडियो लाइक व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यू आर मैनेजिंग ओवर देयर? earlier I was a Citrix administrator and now currently as I said I was in the engineering team and both as a technical specialist and as a technical demand manager. Or for the client facing, it's a delivery manager. So I get these applications installed and get it published in the Citrix test environment and get it signed up and move it ahead into Citrix pre-production environment and then get that delivered in the Citrix production environment and hand it over to operations team. So you told me like you are working as a application delivery manager or whatever the position, right? So I'm more of a like a demand manager, like understanding the requirement of getting applications published, delivered. if you have For got example, any so for an example, if you got any like requirement from your client, right? Like some like for an example, you have to publish Adobe Reader, okay? So in that case, what will be your plan? So first of all, we have three data centers. So we'll understand which local market the user is for end user needs, how many users need it, and what is the type of role the user is. Is he a developer? Is a call center user? And local data center we will pick and need all the number of users. We exist. We'll check the existing application which is there if we deliver it. If it is new, not there, then we have to consider getting the application to publish. If we need to create a VMware virtual app package and we stream it via VMware, sorry, Citrix, we So I either use think it you are quite locally. familiar with this console, what we have created, machine catalog Yes, delivery group. yes, yes, yes. Now start from machine catalog. What are machine catalogs? Machine catalog is a group of servers in It is a collection of what? Virtual machine, right? yes. Okay. And what is the delivery group? Delivery group is the group of to deliver the set of applications on group wise. I'm not getting the correct name right now. It was a very simple question, but Simple, but okay. Let me clear. With the help of delivery group, you can restrict like particular user or group to particular application. Like, if you grouping have of to, applications, yes, grouping of applications like and means if you have to publish any application to HR team, right? HR team or IT team or the finance team, right? So you can limit those things with the delivery group. yes. Now, what is that application? Application is what they singly install locally or it's streamed application. If I have to Then create we one application, how I will do that? So first we need to understand for which data center, which group of servers, the delivery group. And then you locally install the application or we stream the application from a network share.
ओके, आई एम स्किपिंग द पॉलिसीज राइट नाउ. आई विल लेट यू नो हाउ पॉलिसीज वर्क. आई एम जस्ट डायरेक्टली गोइंग टू लॉगिंग पार्ट. सो व्हाट इज लॉगिंग? I don't recollect. It's currently not working on operation side. You will be able to find, see the screen. This is the administrators who are currently using this the site Check studio. the username. Whatever the operations I perform now, each and everything, Yes. like each and every log is there, right? But I have Yes. done. Yeah. Who has published? Who has deleted? Who has moved the Yes, 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 application? yes. Which group? All this. Means if you are Most the of administrator, four, yes. yes, group of administrators who are part of the team, who has done what action is there here. Okay, into the administrator, what you will find? You will find the list of Citrix administrator List over of here. administrators and their roles, yes. Yeah, it will show in some time, it is loading. Administrators custom. So you can see right now we are having only one administrator, right? That is CTX admin, right? And the Yes. role, that is full administrator, right? Yes. Into the controller, you will find the list of the delivery controller. How, like, whatever the count of delivery controllers you have, you will get list of each and every delivery controller over here. Okay. Into the hosting part, you will find the hypervisors. In our case, we are having CTX hypervisor, but in like multiple companies, you will find VMware hypervisor as well. That is VMware client or maybe Hyper-V. Okay, so that is not an issue. You may find different hypervisor as well. Into the licensing, you will find your licensing server. In our case, we are using free license for 30 days. So you will find like some version or whatever the details of the license server, and with the tab, like you. If you have to allocate license, click on the allocate license and you have to enter some code over here. Okay. Whatever the code you will get from the Citrix. Into the storefront. So basically, what is the storefront, guys? Anyone have any idea? Guys? It's a web server wherein we and through web URL users log in with their credentials and then it provides the list of applications to which the user has access. Yes, so that we will create in future. Right now we have not created any storefront server. Okay, we will create in upcoming sessions. Okay, so FB publishing, that is not for you guys right now. That is almost end of life. Okay, so do not waste your time in that part. And when it comes to the zone, so it will show you some graphical zones, like if you are having one data center in US or Canada or in America, so that will show you that kind of graphical like visualization. So let me close this. So right now we are in India, so we are having one zone only. Okay. Okay, guys, any questions so far, anyone? ये मशीन कैटलॉग्स के अंदर मशीन्स हैं जो भी हमारी कनेक्टेड है, वही है ना ये? हाँ वही वर्चुअल मशीन जो हम बनाएंगे, अभी हमने नहीं बनाई है, बनाएंगे हम. ओके अच्छा, ये आप शुरू से एक्सप्लेन करोगे? पहले आप उनसे बात कर रहे थे तो मैं कुछ बोला नहीं था, मैंने कहा चलो आप पूछ लेते उनसे, बोलो ना, क्या तो ये बोल आप रहे. एक्सप्लेन नहीं, मैंने कहा आप बात कर रहे थे तो मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे, मैंने कहा चलो शायद आप उनसे कोई बात नहीं, मतलब कि हम जब ना करेंगे ना, तो फिर मेरी अभी कोई अभी हम पूछ क्या लेना. करेंगे, अभी हम एक मास्टर इमेज बनाएंगे और उस मास्टर इमेज से अच्छा, हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे. देखो ओके ओके, ठीक है ठीक है. क्या होगा, पर लेट मी टेल यू, हम क्या करने वाले हैं. हम एज पर द प्लान ही चलने वाले. ओके, जैसे हाँ कि हाँ हाँ
हमारा प्लान अगर हम देखें तो इफ यू कैन सी राइट, सो दैट इज आवर प्लान राइट। सो व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट नेक्स्ट मास्टर इमेज एंड गोल्डन इमेज, ठीक है। तो मास्टर ठीक इमेज है। के बाद हाँ हम मशीन कैटलॉग बनाएंगे। अभी तो मैं बस एक्सप्लेन कर रहा था कि व्हाट इज मशीन कैटलॉग, डिलीवरी ग्रुप क्या होता है राइट। ठीक है, तो ये भी हम कवर करेंगे। ओके गाइस, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग राइट, ये जो वीडियो है ना, जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, ये आपको आई थिंक अभी मिल जाएगा, थोड़ी देर बाद मिल जाएगा, ठीक है। तो बट आई एम टेलिंग यू गाइस, प्लीज डू परफॉर्म विद द प्रैक्टिकल, लाइक वट एवर आई हैव कन्फिगर ना, लाइक दिस वन सी टी एक्स डी सी जो हमने मशीन बनाया है ना, तो वो मशीन आपको ही बनाना है भाई। अगर ठीक है। हार्डवेयर किसी को कोई प्रॉब्लम है गाइस। अच्छा मेरे को ये बताओ, कितने लोगों के पास हार्डवेयर है? मेरे पास लैपटॉप है, उसके अंदर 48 GB रैम है और 1 TB हार्ड ड्राइव है। कितना? 48 है। हाँ हु इज दिस? अवनीत अच्छा अवनीत, ठीक है अवनीत का तो हो जाएगा। ओके ठीक है। गोविंद एंड रमेश, मैं बार पुराना है, i5 विद 16 GB रैम है। तो तुम मेरा लेवल ले रहे ना। तो और रमेश, रमेश भाई, मैं ओल्ड लैपटॉप i3 वर्जन। तो व्हाट आई विल डू फॉर रमेश एंड गोविंद, व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट सम यूजर नेम इन माय डोमेन कंट्रोलर एंड आई विल शेयर द माय लाइव आईपी। एंड क्या करोगे, आरडीपी, गोविंद आरडीपी पता है ना, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। हाँ राइट, हाँ तो यस यस रिमोट, हाँ तो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन से मेरा वो आरडीपी ले लेना, एंड रमेश भाई आप ये लेना। तो उसका जो चार्जेस है वो हम सेपरेटली लाइक डिस्कस कर लेंगे ऑन ऑफलाइन। ओके एंड आई थिंक गोविंद भाई आपसे डिस्कस हो चुका है। हाँ भाई यस सॉरी, व्हाट्सएप। ना ना रमेश भाई, रमेश भाई, यू कैन कॉल मी ओके आफ्टर दिस कॉल सो वी कैन डिस्कस। ओके आई थिंक मेरा गोविंद से भाई डिस्कस हो चुका है, तो गोविंद को पता है। ओके ओके गोविंद ओके भाई, ओके अभी मैं आपसे ये चाहूंगा कि अभी कल परसों जो जितना भी 2 4 दिन है ना, आप इतना मीन्स लैब बना लो। उससे क्या होगा कि आप जब लैब बनाओगे ना, तो 2 4 दिन बनाओगे, कोई डाउट आएगा कुछ भी आएगा तो आप मेरे से पूछोगे राइट। तो मेरे को वही चाहिए कि ठीक मेरे को है। क्वेश्चन चाहिए, तो आप वैसा करोगे। और रमेश भाई से भी हम कर देंगे। अवनीश भाई, व्हाट यू आर जी, डूइंग टू प्लान, मीन्स यू विल बी वर्किंग ऑन वीएमवेयर वर्क स्टेशन और व्हाट? वीएम वर्कस्टेशन के ऊपर इंस्टॉल कर रखा है मैंने, तो अच्छा मैं बना लूंगा इस वीक में, कोशिश करूंगा बनाने की। आपको भी पिंग करूंगा मैं चाहता हूँ कि मैं जो आपने बताया ना, अपने डाटाबेस इंटीग्रेट कर रखा है, वो मैं हाँ, इंटीग्रेट नहीं करना चाहता, मैं अलग से बनाना चाहता हूँ उसके तो लिए। अलग से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो उसके लिए आपकी हेल्प चाहिए होगी मेरे एक को, एसक्यूएल सर्वर अलग से बना रहे हैं ना उसमें। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, कौन सा ओएस करूं मैं, 2016 कर दूं मैं? यार 2022 पे चलो यार, जो नया लेटेस्ट चल रहा है, पुराने पे जाए क्या अरे क्या फायदा। कुछ वो दिक्कत है, वो तो ऐसी है, वो तो मार्केटिंग है। अरे 2022 पे चलो ना, चलो 2019 पे चल देना, 2019 जो है ना उस पे चल देना, लेकिन उससे नीचे 2016 पे मत जाना, मेरा कहने का मतलब वो। अच्छा, क्योंकि मैंने पहले डोमेन कंट्रोल बना रखा, उसका देखता हूँ क्या है। डोमेन कंट्रोलर काय पे बना रखा है आपने भाई? इसी में बना रखा था मैंने, अपने कुछ लैब कर रहा था नेटअप का, अरे तो उसमें ओएस बना कौन रखा सा, था मैंने, ओएस बताओ ना, ओएस कौन सा है? देखो वही मैं देखता हूँ, मेरे को याद नहीं है सर, बना के छोड़ दिया मैंने वो तो हाँ कुछ तो याद होगा, 2012 14 15 16 कुछ तो होगा। 16 है शायद। 16 ना करो भाई, 19 लग, कम से कम 19 या 2022 करो। अपग्रेड कर दूंगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जो करना है वो करो, मेरे को पर्सनली कॉल कर लेना, या फिर मैं लैब सेटअप में खुद ही बता दूंगा कैसे क्या करना है। और बाकी गोविंद बस भाई, हाँ एक चीज और पूछनी, हाँ भाई, सर्टिफिकेशन का पूछना था मैंने, मतलब कि ये अभी हम कौन सी सर्टिफिकेशन कर रहे हैं अभी? सीसीएवी कर रहे हैं अभी अपन, सिटेक सर्टिफाइड एसोसिएट। एसोसिएट, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद होता है प्रोफेशनल, उसके बाद होता है ओके आर्किटेक्ट। ओके ओके, तो ये इसका एग्जाम कैसे होता है, मतलब कि कितने क्वेश्चंस होते हैं, कुछ आइडिया है?
अरे वो सब मैं क्लियर करा दूंगा, मेरा बंदे ही यूके में, टेंशन ना लो। तुम एग्जाम अच्छा नहीं भी दोगे तभी हम करवा देंगे, उसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम खुद ही करेक्ट कर देंगे, ठीक वो प्रॉब्लम नहीं है, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि भाई अगर कोई बेयर मेटल सर्वर अगर मिल जाए तो वो कर लो, वो सबसे ज्यादा फास्ट होता है। बेयर मेटल, अच्छा बेयर मेटल समझते हो ना, बेयर मेटल क्या होता है? हाँ महेश भाई, मैं भी यही सोच रहा था, मैं लैपटॉप ट्राई करूंगा, मैं बाद में प्रैक्टिस करने के लिए मैं रेंट रेंट पे लाने के देखता हूँ, मैं कहीं पे मिलता है तो आप अरे बैर मेरा ही मेटल लेना, नहीं कहीं तो से लेने की कुछ जरूरत नहीं है, टेंशन ना लो, मैं करवा दूंगा। तो हेलो ठीक है भाई। अच्छा अवनीत भाई, मैं ये चाहूंगा, या गोविंद यू देयर? हाँ जी, हाँ यस जी सर, सर। यस सर, बोलिए। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अपन ने आज किया है ना, राइट, जो भी हमने इंस्टॉल किया है, साइट कन्फिगर किया है ना, राइट, सो आई वांट यू गाइस, सो मीन्स आप लोग वो परफॉर्म कर लो लाइक ऑन रियल टाइम। सो उससे क्या होगा कि आपका डाउट नहीं रहेगा। और मुझे ये बताओ, वीकेंड वीक डेज पे कोई भी अवेलेबल है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं भरोसा, कभी टाइम लग जाता है, कभी बहुत टाइम लग जाता है, तो इस बेटर कि हम नेक्स्ट वीक ही कनेक्ट करेंगे, सैटरडे। नेक्स्ट वीक इसलिए करेंगे, मेरा भी लेकिन हाँ सिचुएशन मेरे ये मुश्किल है। मैं सर मंडे ट्यूसडे 3 डेज हमारा ऑफिस का तो काम है मेरा। तो हम लोग एक काम करें बोलिए। क्या कि आप रिमोट तो ले सकते हो ना, लैब का रिमोट ले लो या फिर लैब का एक्सेस ले लो, और उतना डिप्लॉयमेंट उतना करके छोड़ देना, बस इतना कर लेना, राइट। और उसके बाद फिर हम जब कनेक्ट होंगे ना तो हम मतलब कंटिन्यू करेंगे, लाइक आई वांट यू गाइस टू कंटिन्यू विद द प्रैक्टिकल्स ओनली, राइट, क्योंकि विदाउट ओके प्रैक्टिकल ना वो लॉजिकल कुछ बनता नहीं है। ठीक है सर, ठीक है बस। ठीक है रमेश, अवनीत एंड गोविंद, अगर आप लोगों को लैब की कोई दिक्कत है तो मेरे को पर्सनली आप लोग मैसेज कर देना। आई थिंक गोविंद से मेरा डिस्कशन हो चुका है, वो दिक्कत नहीं है। अवनीत एंड रमेश, इफ यू आर हैविंग एनी इश्यूज इन लाइक फिजिकल हार्डवेयर और वट एवर इट इज, ओके, यू कैन कनेक्ट विथ मी डायरेक्टली, ओके ओके सर, ठीक है ओके ओके गाइस, सो वट आई विल डू, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग विथ यू गाइस, मे बी यू विल गेट ऑल द और रिकॉर्डिंग टुमारो टुमारो मॉर्निंग, श्योर, ओके। कल का यस्टरडे रिकॉर्डिंग आई वरिस रिक्वेस्ट फॉर द एक्सेस, प्लीज दे दिया ग्रांट ना, दे तो एक्सेस टू दिया माय भाई, ईमेल। दे दिया यार। ओके थैंक यू भाई, हैव यू चेक, थैंक चेक किया तुमने? यू, चेक करता हूँ मैं। नहीं, नहीं मैंने तो दे दिया था, मैंने सबको दिया था। आई थिंक आई ठीक है। थिंक आई गॉट रिक्वायरमेंट फ्रॉम गोविंद, फ्रॉम अमनीत एंड फ्रॉम रमेश एज वेल। अगर किसी को नहीं भी आया है ना तो मेरे को एक बार व्हाट्सएप में पिंग कर देना, मैं दे दूंगा, ओके, क्योंकि ठीक है भाई, वो बहुत सारे क्या होता है कि बंदे यूआरएल शेयर करते हैं तो मेरे पास 100 रिक्वेस्ट आ जाती है, राइट। सो अगर किसी को नहीं आया ना तो मेरे को भाई पर्सनली कॉल कर देना, मैं आपको लाइक ऑन द टाइम रिक्वेस्ट बुक कर दूंगा, ओके। ठीक है सर, ठीक है गाइस, कोई और डाउट? नहीं सर, फोन कर लूंगा मैं आपको। अरे क्या फोन करोगे, अपन एमपी वाले हैं। हु इज दिस, गोविंद है ना? अवनीत बोल रहा हूँ अच्छा सर। अवनीत, अवनीत तुम कहाँ से? हैदराबाद से हो ना? यू आर फ्रॉम हैदराबाद? नहीं, चंडीगढ़ से सर मैं। हाँ अरे दिल्ली के बगल में। जी सर, अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। एंड गोविंद तुम कहाँ से हो? हैदराबाद से, तेलंगाना हैदराबाद। रमेश फ्रॉम वेयर यू आर? महेश, आई एम फ्रॉम आंध्रा। अच्छा यू आर फ्रॉम आंध्रा। एंड अवनीत भाई तुम वहाँ क्या मतलब यूके में, यूके सॉरी यूएस, सॉरी यूएस नॉट, कनाडा में क्या कर रहे हो अभी? मैं सर काम कर रहा हूँ यूनिसिस के साथ, मैंने बताया था, सर्वर स्टोरेज वगैरह पे डिप्लॉयमेंट करता हूँ, सारा कुछ मैनेज करता हूँ, डाटा सेंटर भी मूव करता हूँ, कभी कुछ न्यू सॉल्यूशन थी वो भी करता हूँ। तो कनाडा में कितना टाइम हुआ अभी आपको गए हुए? मेरे को 3-4 साल ही हुए हैं सर।
तो यू आर विथ फैमिली और सिंगल और व्हाट इट इज? हाँ जी सर, फैमिली के साथ हूँ। अच्छा फैमिली के साथ ही हो ना, हाँ जी सर। ठीक है। महेश भाई मुझे एक्सेस नहीं मिला, एक बार चेक कर लो ना, काय का वही थे कल का अभी रिकॉर्डिंग का। एक मिनट को, रिकॉर्डिंग तो अभी भेजी नहीं नहीं है अभी तो रिकॉर्डिंग का सर। मैंने दिया नहीं है, दिया नहीं मैंने, सिर्फ सॉफ्टवेयर का ठीक एक्सेस है ठीक, दिया भाई। ओके ओके, हमने थैंक यू। रिकॉर्डिंग का भी दिया था, लेकिन वो पिछली रिकॉर्डिंग किसी क्लास की थी, हाँ वो वो ओल्ड मैंने है, हम वो रिटर्न ओल्डर नहीं थी, किया। ओल्डर थी, राइट राइट। नहीं वो अभी हम तो कर रहे हैं, तो हमें कोई जरूरत नहीं है, हम तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आपके साथ। अरे सब मिलेगा, शांति रखो, सब मिलेगा धीरे धीरे। गोविंद अभी चेक शांति करो, रखे। गोविंद चेक करो, अभी अभी चेक करो, मैंने दिया अभी, रिफ्रेश कर दो बस, वो जो वेब पे जो मोबाइल में ओपन किया ना उसको रिफ्रेश मारो। गोविंद यू देयर? सॉरी मी म्यूट पे था, अब रिफ्रेश कर दिया, सिट्रिक्स आईएसओ आ गया मेरा, थैंक यू। आ गया ना रिकॉर्डिंग? अभी हाँ मैंने आ गया, एडिट नहीं किया है, क्योंकि क्या होता है कि हम कई बार पर्सनल चीजें भी डिस्कस करते हैं, तो मेरे को वो वीडियो पूरा देख के फिर एडिट करना पड़ेगा। ओके तो ओके ओके, ठीक है मिल भाई, जाएगा, नो आज नहीं प्रॉब्लम, तो कल मिलेगा, श्योर, टेंशन ना लो उसकी। ठीक है भाई, ठीक है गाइस, लैब के लिए मेरे से डिस्कस कर लेना और प्रैक्टिकल कल से स्टार्ट करो या फिर आज से ही करो, ठीक है? ठीक है सर, ओके। क्योंकि प्रैक्टिकल अगर छोड़ दोगे ना फिर कुछ नहीं होना जाना, मेरे को ही आखिर में बोलोगे कि ये सर आपने पागल बना दिया, राइट? तो वो मेरे को नहीं चाहिए, राइट? तो प्लीज प्रैक्टिकल करो, जो भी मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करो, जैसा कर रहे हो वैसा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई डाउट आता है मेरे को पूछ लेना एनी टाइम, आई एम अवेलेबल, आई एम एक्चुअली अवेलेबल। ओके तो वो प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, ओके गाइस, थैंक यू भाई, बाय, हैव अ नाइस डे, बाय, गुड नाइट, गुड गुड नाइट, नाइट। बाय।